हेलो गाइस, आज के वीडियो में जो है अपने बाइक की जो है टेल लाइट को मॉडिफाई करेंगे, उसके अंदर जो है मोस्ट पावरफुल बल्ब का यूज़ करेंगे और साथ ही में उसके ऊपर स्टिकरिंग करके उसे जो है मॉडिफाई करेंगे। तो आज के वीडियो में आपको कुछ इस तरह के जो है मैं बल्ब दिखाने वाला हूँ और ये जितने भी बल्ब होंगे सभी जो है डीसी पे काम करने वाले हैं। अगर आपकी बाइक में हैलोजन लगा है और आपने एसी करंट पे उसको यूज़ करते हैं तो डायरेक्ट आप उसका जो है निकाल के इसे लगा नहीं सकते, आपको पहले डीसी कनेक्शन करना पड़ेगा, उसके बाद ही इसे जो है इंस्टॉल कर सकते हो। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इस वाले बल्ब से। ये काफ़ी सिंपल सा जो है एलईडी बल्ब मिल जाता है आपको मार्केट के अंदर, तो ये जो है आपकी टेल लाइट के अंदर इंस्टॉल हो जाता है और इसके अंदर आपको डिफरेंट डिफरेंट चार कलर मिलने वाले हैं। तो यहाँ पर कुछ इस तरह के जो है इसके अंदर कलर मिलेंगे आपको, ब्लू, ग्रीन, रेड और वाइट कलर आपको इसके अंदर मिल जाएगा। तो सबसे पहले आपको जो इसे इंस्टॉल करने से पहले अपनी बाइक का जो है अपना जो ग्लास है उसको जो है हम वाइट ग्लास इंस्टॉल करेंगे। और ये जो ग्लास मैं आपको दिखा रहा हूँ ये जो है प्लास्टिक फाइबर के अंदर आता है। एक जो ग्लास होता है काफ़ी सस्ता आता है जो 70-80 रुपए का आपको मिल जाता है, वो प्योर प्लास्टिक के अंदर मिलता है। सो उस ग्लास और इस ग्लास के अंदर डिफरेंस आपका यही है कि वो जल्दी से ब्रेक हो जाता है और ये जो है काफ़ी टाइम तक आपका चलने वाला है और ये आसानी से ब्रेकेबल नहीं है। इसके अंदर आपको एक कोटिंग मिलती है जो कि इसको जो है सेफली रखती है और ये नॉर्मल प्लास्टिक वाले ग्लास से काफ़ी मजबूत होता है। तो अभी सबसे पहले चलते हैं इसको इंस्टॉल करते हैं, उसके बाद जो है बल्ब को इंस्टॉल करेंगे। तो ग्लास हमारा लग चुका है। अभी गाइस सबसे पहले जो बल्ब इंस्टॉल करेंगे वो हमारा ये वाला है। तो ये जो हमारा एलईडी बल्ब है इसके अंदर दो मोड आपको मिलेंगे, ब्रेक पे ये इस तरह से फ्लैश करेगा और जब आप अपनी बाइक का जो है पार्किंग मोड ऑन करोगे तब इस तरह से ये परमानेंट चलता रहेगा। सो अगर आपकी बाइक में ऑलरेडी डीसी है तो आपने कुछ इस तरह से इसको जो है प्रेस करके घुमा देना है और क्लॉकवाइज इसको घुमाते ये जो है इंस्टॉल हो जाएगा। तो यहाँ पर नाइट में कुछ इस तरह का व्यू है, पार्किंग मोड के अंदर परमानेंट ये जो है चालू रहने वाला है और जैसे आप इसका ब्रेक दबाएंगे बाइक का इस तरह से कुछ ये फ्लैश करने स्टार्ट कर देगा। तो बैक एंगल से भी मैं आपको दिखा देता हूँ कुछ इस तरह की रोशनी है। सो नाइट के अंदर शायद आपको अच्छे से ना दिखे लेकिन ये जो बल्ब है एवरेज क्वालिटी का है तो काफ़ी अच्छी इसकी रोशनी है। अगर आप अपनी बाइक में जो है हैलोजन यूज़ कर रहे हो तो उसकी जगह इसे मॉडिफाई करते हो, इंस्टॉल करते हो तो ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन रहने वाला है और रेड कलर के अंदर इसकी विजिबिलिटी काफ़ी अच्छी है। और अगर आपकी बाइक का ग्लास जो है रेड कलर का ही है तो भी ये बहुत अच्छा परफॉर्म करने वाला है। सो नेक्स्ट वेरिएंट जो इसमें कलर का हमें मिलता है वो ग्रीन कलर है, तो ये भी सेम उसी तरह काम करेगा, पार्किंग पे एज इट इज चलेगा और ब्रेक मारने पे जो है फ्लैश करेगा। तो इंस्टॉल करके इसका जो है मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ। तो बैक एंगल के अंदर आप देख सकते हो रेड के मुकाबले इसकी विजिबिलिटी थोड़ी सी ज़्यादा है और इसके अंदर आप अगर मैं जो है इसे ऑलरेडी यूज़ कर चुका हूँ इससे भी ज़्यादा विजिबिलिटी जो है ब्लू कलर की है। ब्लू कलर की जो इंटेंसिटी होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर आप वीडियो में देखिए ब्लू कलर जो है बहुत ज़्यादा ब्राइट दिख रहा है, रेड और ग्रीन के मुकाबले ब्लू की लाइट ज़्यादा स्प्रेड होती है। तो गाइस यहाँ आप देख सकते हैं जो ब्लू कलर की रोशनी है वो बहुत ही पावरफुल है एज़ कम्पेयर टू रेड एंड ग्रीन। और इसके बाद वाइट का भी कंपैरिजन करेंगे। अभी आपको जो बैक एंगल से दिखाएं तो इस तरह से कुछ काम करने वाला है। तो ये जो है वाइट कलर का बल्ब है तो सेम इसके अंदर भी वही मोड मिलेंगे आपको, लेकिन इसकी जो विजिबिलिटी है वो सभी कलर्स से जो है मेरे को कम लगी। बाकी आप अगर वीडियो में देख सकते हैं इसकी जो रोशनी है
ग्रीन, ब्लू और रेड के मुकाबले बहुत कम है। लेकिन अगर आपको व्हाइट कलर में ही अपनी बाइक की लाइट को मॉडिफाई करना है तो आप इसे यूज कर सकते हैं, काफी अच्छा ऑप्शन है। विजिबिलिटी के मुकाबले में जो और कलर्स है उनसे इसकी रोशनी कम है। तो गाइस अब बात कर लेते हैं पावरफुल बल्ब्स की। तो ये जो है 6-6 12 एलईडी के अंदर बल्ब मिलता है। तो फ्रंट की तरफ आपको 6 एलईडी मिलेंगे जिसमें से 3 रेड है और 3 वाइट है। तो ये इसका जो है फ्लैशिंग मोड है जो ब्रेक पे काम करेगा, और जब पार्किंग में चलाओगे तो ये वाइट कलर का ग्लो करेगा। तो ये बहुत ही पावरफुल है, जितने भी बल्ब अभी तक दिखाए उन सब में से सबसे पावरफुल यही बल्ब है, और इसका प्राइस रेंज भी उनके हिसाब से थोड़ा सा ज़्यादा पड़ता है। सो गाइस ये वाला जो बल्ब है काफ़ी अच्छे से वर्क करेगा, एंड ये भी जो है डीसी पे काम करने वाला है। सो गाइस आज के वीडियो में जितने भी मैंने आपको बल्ब दिखाए हैं, अगर आपको इनमें से कोई भी परचेज करना है तो वीडियो में से आप इनका स्क्रीनशॉट खींचिए, और डिस्क्रिप्शन में आपको जो है व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा, उस पर आप जो है मेरे को स्क्रीनशॉट शेयर कर सकते हो। ऑल ओवर इंडिया जो है कोरियर के थ्रू डिलीवरी करवाते हैं, तो सारी डिटेल आपको व्हाट्सअप पर मिल जाएगी। यहाँ देख सकते हैं ये इसका पार्किंग मोड है जिसमें जो है व्हाइट कलर का काम करता है। तो ब्राइटनेस का अंदाजा जो है आप यहाँ से ही लगा सकते हैं। जितने भी बल्ब थे सभी के अंदर नंबर प्लेट अच्छे से नहीं दिख रही थी, लेकिन इस बल्ब के अंदर आपको अच्छे से नंबर प्लेट दिख जाती है। तो यहीं से पता लगता है किसकी कितनी विजिबिलिटी है। और जैसे ही आप ब्रेक पेडल दबाओगे ये कुछ इस तरह से फ्लैश करेगा रेड कलर के अंदर, और इसका आपका प्लस पॉइंट है आप इसको रेड क्लास के अंदर भी यूज कर सकते हो। तो अभी ये जो बल्ब है ये सबसे पावरफुल बल्ब है आज की वीडियो का। इसकी रोशनी सबसे ज़्यादा ब्राइट है और विजिबिलिटी एकदम पावरफुल है, बाकी वीडियो में आप आगे देखेंगे। और ये बल्ब आपको जो है आरजीबी के अंदर मिलता है पार्किंग मोड के अंदर। इसके अंदर आपको जो है 5 से 6 कलर मिलते हैं, जिसके अंदर आपका रेड, ब्लू, ग्रीन, वाइट एंड पर्पल आपको मिलेगा। और जैसे ही आप ब्रेक दबाओगे इसके अंदर जो है वाइट कलर में लाइट जो है फ्लैश करेगी, तो दोनों कलर की जो है विजिबिलिटी बहुत ज़्यादा ब्राइट है, बाकी आप आगे वीडियो में देखेंगे। और ये वाला बल्ब भी जो है डीसी पे ही काम करेगा, तो कोई भी एलईडी बल्ब जो है एसी पे काम नहीं करता। इंस्टॉलेशन बहुत ही आसान है, आप अपनी बाइक में पहले डीसी कनेक्शन करवाइए और उसके बाद आप किसी भी एलईडी को किसी भी पर्पज से यूज़ कर सकते हो, चाहे वो बैक लाइट हो या इंडिकेटर बल्ब हो या एलईडी हेडलाइट हो। तो अभी जो है ये इसका पार्किंग मोड है, आप देख सकते हैं रोशनी कैमरे के अंदर आप देख सकते हैं कितनी इसकी विजिबिलिटी है। ओवरऑल जितने भी आपको बल्ब दिखाए हैं सबसे पावरफुल यही बल्ब रहने वाला है, और फ्लैश मोड में तो बहुत ही ज़बरदस्त इसका परफॉर्मेंस पीछे की तरफ पड़ता है। इस तरह के एलईडी बल्ब का कोई चलान नहीं बनता है, तो इसका कोई चलान नहीं कटेगा आपका। तो गाइस ये तो थे आज के वीडियो के टेल लाइट के पावरफुल बल्ब्स जिनका मैंने आपको रिव्यू दिखा दिया है। अभी जो है स्टिकर की भी बात कर लेते हैं। आप जो है टेल लाइट को स्टिकर से भी मॉडिफाई कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में मैं भी मेरी बाइक पे जो एक स्टिकर लगाने वाला हूँ। तो ये जितने भी स्टिकर मेरे स्टॉक में पड़े हुए हैं आपको जो है ये फाइबर शीट के ऊपर मिलेंगे। सो यहाँ पर कोई भी जो है पेपर यूज़ नहीं किया गया। जो नॉर्मल पेपर के ऊपर स्टिकर आते हैं उनका थोड़े टाइम बाद कलर फेड हो जाता है, तो इस चीज़ की आपको गारंटी मिलेगी। फाइबर शीट के आपको जो है स्टिकर मिलेंगे और ना ही इनका कलर कभी जाने वाला है, और आप इनको जो है अच्छे से इंस्टॉल भी कर सकते हो, वो भी काफ़ी ईजी रहेगा। तो पहले जो है मैं आपको दिखा देता हूँ कौन कौन से स्टिकर अवेलेबल हैं। इनमें से आपको कोई भी परचेज़ करना है तो सीधा आपने जो है इनका स्क्रीनशॉट खींचना है, और डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा, वहाँ पे जाके आप मेरे को जो है व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप वाइट एरिया जितना भी देखेंगे ये ऑलरेडी कटिंग किया हुआ है, तो आपको लगाने के बाद कोई भी किसी भी तरह की कटिंग नहीं करनी है, सब कुछ जो है ऑलरेडी कट मिलेगा आपको। आप इनको जो है खुद से घर पर भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये वाला जो स्टिकर है मेरे को पर्सनल फेवरेट है, तो इसको जो है मैं आप अपनी बाइक में इंस्टॉल करूँगा, और आप अपने हिसाब से जो आपको अच्छा लगता है वैसा स्टिकर ले सकते हैं, या आपको अगर आपका खुद का भी बनवाना है तो वो भी फैसिलिटी अवेलेबल है, तो आप मेरे को जो है व्हाट्सअप कर सकते हैं, सारी डिटेल आपको मिल जाएगी। सो अभी जो है ये वाला इंस्टॉल करेंगे, आपको मैं दिखा दूँ ये सारा जो प्रॉपर है आपको कटिंग में मिलेगा, इसका जो है ग्लास है जो कटिंग के अंदर आपको मिलेगा। तो अभी आगे चल के इंस्टॉल करके भी आपको दिखाएंगे। सो इसे इंस्टॉल करना बहुत ही आसान है, डायरेक्ट आपको जो है इस तरह से पेस्टिंग उतार लेनी है, और जैसे मैंने आपको बताया था ऑलरेडी इसमें जो है कटिंग मिलेगा आपको, और बिल्कुल आराम से इस तरह से आपने इंस्टॉल करना है जैसे जैसे मैं आपको वीडियो में दिखा रहा हूँ, कुछ इस तरह से आपने इस फ्लो के अंदर इसे यूज़ करना है, ताकि इसके अंदर जो है एयर बबल वगैरह ना बने, ना ही आपको इसमें हीट गन की जरूरत पड़ने वाली। आप जो है खुद घर पे इसको इंस्टॉल कर सकते हो, जो इसका जो है बाउंड्री के ऊपर एरिया रह जाएगा उसको आपने ब्लेड से कट करना पड़ेगा, तो वो चीज़ भी मैं आपको वीडियो में एक बार दिखा देता हूँ।
सो इंस्टॉलेशन हो चुका है, कुछ इस तरह का आउटपुट है। और अभी जो है मैं आपको लाइट भी करके ऑन दिखा देता हूँ। और इसकी एक खासियत और मैं आपको बता दूँ, ये इतने पतले होते हैं कि आपको अंदर से रोशनी इसके आर पार भी दिखेगी। तो यहाँ पर बहुत अच्छी लुक आने वाली है नाइट टाइम में। तो गाइस इस तरह का स्टिकर भी आपको जो है अवेलेबल हो जाएगा। तो जितने भी मैंने आज की वीडियो में आपको आइटम दिखाए हैं, आपको कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताना। आपको किसी भी तरह का स्पेशल वीडियो चाहिए तो प्लीज़ एक बार कमेंट कर देना, उसके ऊपर भी काम ज़रूर होएगा। और आज के वीडियो में जितने भी आपको प्रोडक्ट अच्छे लगे, सीधा आप उनका स्क्रीनशॉट कीजिए, आपको जो भी परचेज़ करना है। और डिस्क्रिप्शन आपको सारी डिटेल मिल जाएगी, व्हाट्सअप नंबर मेरा मिल जाएगा, वहाँ जाके मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं और कॉल के थ्रू भी बात कर सकते हैं। ऑल ओवर इंडिया जो है कोरियर के थ्रू सामान जो है हम डिलीवर करते हैं, आप घर बैठे इनको कहीं पर भी मंगवा सकते हो, सारी डिटेल आपको व्हाट्सअप पे मिल जाएगी। सो गाइस ये था मेरा आज का वीडियो, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर आपको वीडियोस के लिए कोई भी सजेशन या कमेंट है तो प्लीज़ नीचे कमेंट कर दीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।